Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we talk about how to observe light and dark areas in our portraits. So let's see. So सबसे पहले आपको जो करना है वो ये है कि आपका जो portrait है, photo reference photograph के according आपको face में shading apply करनी है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं. उसके बाद आप reference photograph को observe करें अच्छी तरह से, उसको देखो कि कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है. जिस तरह से आप आइज़ में देख पा रहे हैं रेफरेंस फोटोग्राफ मेरी कि किस तरह से आइज़ की, अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो डार्क है, राइट साइड में देखेंगे तो लाइट पड़ रही है. तो लाइट एंड डार्क वाले कहाँ लाइट पड़ रही है और कहाँ शेडो आ रही है, उसके बारे में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा. बट अभी शेडिंग के बारे में है, तो फेस शेडिंग जब तक नहीं होती है तब तक पोर्ट्रेट में रियलिस्टिक लुक नहीं आता है. सो फेस शेडिंग करना बहुत ही कंपलसरी होता है अगर आपको रियलिस्टिक ड्रॉ करना है तो. बाकी अगर बियर्ड एंड हेयर्स के बारे में बात करी जाए तो बियर्ड एंड हेयर्स में भी लाइट डार्क होते हैं. अगर आप नीचे साइड देखेंगे तो वहाँ पर आपको डार्क प्रेशर से अप्लाई करना है या फिर डार्क पेंसिल उसमें यूज़ करनी है. जिस तरह से आप देख सकते हैं मैंने कर रखी है बियर्ड के नीचे साइड. और बाकी तो फोटोग्राफ में मिल ही जाता है कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है, बस उसी को ऑब्जर्व करना है आपको. और फेस शेडिंग सबसे ज़रूरी होती है. और बाकी आप ईयर में देख सकते हैं तो इसी तरह से ड्रॉ करना है. और नेक की भी यही शेडिंग है जैसा कि आपने देखा. सो डू प्रैक्टिस, सब्सक्राइब माई चैनल. Thanks for watching.